क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज से हम रोज प्रभु की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में रोज आएंगे प्रार्थना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। आज की दुनिया में हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। कल क्या होगा, आज किसकी मौत, कल कौन बीमार पड़ेगा, किसको बेड मिलेगा, डॉक्टर्स और नर्सेस का क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, क्या हमें नौकरी मिलेगी, क्या हम स्कूल वापस जा पाएंगे, हमारे देश का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। लेकिन इस सब का जवाब केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, वह है हमारा प्रभु ईसा। क्योंकि प्रभु यीशु ही अल्फा और ओमेगा है, वही है जो आदि और अंत है। सब कुछ उसमें शुरू हुआ और सब कुछ उसी में अंत होगा। आज हम अपनी दुनिया में देख सकते हैं, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं नहीं होती, मृत लोगों के शरीर क्यों में पड़े हैं, वे फेंके जाते हैं, जलाए जाते हैं, कोई भी उनका साथ में शोक करने के लिए भी नहीं। हमारे सभी उत्सव दुख में बदल गए, हमारे शादियां विलाप में निकल गए, हमारा एक एक दिन कड़वा होते जा रहा है, हमारे युवक युवतियां बेहोश होकर गिर रहे हैं। बहुत बड़ी महामारी हमारे चारों ओर फैलते जा रही है। ऐसा कोई भी परिवार नहीं जो कह सके कि हमारे रिश्तेदार या हमारे परिवार से कोई मरा नहीं, कोई भी किसी के घर में शोक करने नहीं जाता, सांत्वना देना नहीं चाहता, क्योंकि डर लगता है कहीं मृत्यु हमें भी ना छू ले। इतना डर कि हम कमरे से बाहर निकलने के लिए डरते हैं, इतना डर कि कल हमें श्वास मिलेगा कि नहीं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं कि जो मुझ पे विश्वास करता है, मैं उसका धारस बनाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा। यदि तुम मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। आइए हम प्रभु की दुहाई दे, प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 18 और 19 में प्रभु हमसे कहते हैं, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। अगर हमारा मन टूट गया हो, अगर हम निराशा में हैं, हमें संभालने के लिए, हमारी देखरेख करने के लिए, हमें पूर्ण रूप से चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु हमारे साथ है, यहाँ पर परम पावन युक्रिस्त में उपस्थित है। आइए उस प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु की आराधना करें, उसकी वंदना करें। आप जहाँ कहीं भी है, घर में हो, हॉस्पिटल्स में हो, या फिर आप रास्ते से चल रहे हो, और अगर आप हमारे साथ प्रभु की स्तुति कर रहे हो तो मन ही मन गाते रहिए, जोर से गाते रहिए, हमारे साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें।
है मिलकर गाए मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम जीवन की किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, दुख की गहराई में क्यों ना हो, मौत के खौफ में क्यों ना हो, भाइये आप जहां कहीं भी हो, अगर आप इस आराधना में भाग ले रहे हो तो मन से गाते रहिए, प्रभु तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मेरा चंगाई दाता है, तू ही मुझे जीवन देता है, तेरे नाम की स्तुति हो। शक्तिमान है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम जपते जाएंगे। जहाँ पर प्रभु का नाम कोई भी लेता है वहाँ पर उसकी नाम की पूर्णता आती है। यीशु का मतलब है वो हमें बचाएगा। The name Jesus means He who saves। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं प्रभु के नाम का अर्थ हमारे जीवन में आता है, वो हमें बचा लेता है। आइए हम प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करें। यीशु नाम शक्तिमान प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। हाँ प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा हो। हमारे दुख के क्षण में हमारे रोगों के बीच में हॉस्पिटल बेड्स पे हमारे घरों में बैठे क्वारंटाइन में बैठे सभी लोगों के जीवन में हमारे गांव में हमारे देश में हमारे राज्य में इस दुनिया में तेरे नाम का महिमा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। दुख के संकट में हम तेरा नाम बुलाते हैं प्रभु। बिस्तर पर पड़े वेंटिलेटर पर हम आपका नाम लेते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को खोल कर रखकर प्रभु की स्तुति करें। आप जहां कहीं भी हो प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस। यीशु तेरी स्तुति हो यीशु तेरी आराधना हो यीशु तेरी स्तुति हो यीशु तेरी आराधना हो तेरी महिमा हो प्रभु। थैंक यू हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करें। जहां भी हो प्रभु की शक्ति प्रभु के नाम की शक्ति आपके शरीर को चंगा कर देगी। आपके घर से रोगों को दूर रख देगी। वो कवच बनकर हमारे सामने रहेगी। थैंक यू जीसस। महामारी हमारे घर तक नहीं पहुंच पाएगी हमारे देश तक नहीं पहुंचाएगी। जहां पर यीशु के नाम जपते हैं लोग वहां से शैतान भाग जाता है। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। शबाहरी अरब कृष्णा हसी अरब ही अरब। थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया यीशु नाम की स्तुति यीशु तेरे नाम की स्तुति यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। यीशु नाम तेरे नाम की आराधना हो प्रभु। यीशु नाम
आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, परम प्रसाद में आप उपस्थित हो इसके लिए हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, इस विपत्ति से आप हमें बचा रहे हैं, इसके लिए हम आपकी धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, आज हमारी यह अवस्था है कि हमारा विश्वास डगमगा रहा है, चारों ओर प्रभु मौत हमें दिखाई देती है। इस महामारी का डर और खौफ हमें और हमारे देश को, पूरी दुनिया को अपने ग्रस्त में ले लिया है प्रभु, हमें बचा लीजिए प्रभु जी। आज जब इस अवस्था में हम हैं, हम में से कई लोगों के मन में एक प्रश्न है, क्या प्रभु यह नहीं देखता है? अगर ये प्रभु की योजना है तो क्या प्रभु हमें मार डालना चाहता है? यह विपत्ति क्या प्रभु के शक्ति से परे है? क्यों इतने अच्छे अच्छे लोग मर रहे हैं? क्यों हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है? क्यों प्रभु, क्यों? क्रिसमस में प्यारे भाई और बहनों, अगर हम आमोस का ग्रंथ ले तो उसमें कई जगह प्रभु ने हमसे कहा है, हमें चेतावनी दी है, भविष्यवाणी दी है। चेतावनी यह है कि जब तक तुम अपने पापों पर नहीं पछताते, जब तक तुम अपने गलत रास्तों को छोड़कर मेरी ओर नहीं मुड़ते, तो ये सारी विपत्तियां तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। हम कई बार प्रभु को कोसते हैं कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम अगर बाइबल में देखें तो हम देख सकते हैं कि जब पाप बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं प्रभु ने लोगों को सही राह दिखाने के लिए एक छोटा सा डिसिप्लिन डाला है। सबसे पहला हम देख सकते हैं नो के जमाने में, उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देख सकते हैं जब पाप बढ़ता गया, मनुष्य प्रभु से दूर होता गया, तब प्रभु बहुत दुखी हुआ। लेकिन प्रभु ने उनमें से एक को देखा, वह है नोह। उस नोह के द्वारा प्रभु ने दुनिया को बचाया, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में केवल वह ही एक व्यक्ति जो धार्मिक था, प्रभु पर श्रद्धा रखता था, एक अच्छा जीवन बिताता था। आज की इस विपत्ति के समय आइए हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे कि हमें भी नोह के उस नाव के अंदर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो भी था वे सब बच गए, जीव जंतु सब। उसके बाद प्रभु ने एक नई दुनिया की सृष्टि की, सब कुछ नया था। प्यारे भाई और बहनों, हम कभी भी प्रभु से प्रश्न नहीं कर सकते कि प्रभु क्यों क्यों क्यों, लेकिन हमारे मन का दुख हम प्रभु के सामने जरूर रख सकते हैं।
यह बहुत गहरा है, पता है प्रभु जानते हैं उन परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है वह कभी भी पूरा नहीं हो सकता वो दुख। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार से अगर कोई शांत हो तो हम उनके अंतिम संस्कार बहुत अच्छा से करें, उनके लिए एक मिसा चढ़ाए, एटलीस्ट उनके पास दफन के टाइम खड़े हो जाए। लेकिन आज वह परिस्थिति नहीं है हमारे पास। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, ही इज फेथफुल गॉड। यरिमिया का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु ने हमसे एक वचन दिया है कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह तुम्हारे भलाई के लिए करता हूं। हमें यह नहीं पता कि ये दुख ये संकट कैसा आगे भविष्य में होगा, लेकिन प्रभु जानता है कि वह भलाई के लिए है। जिस तरह मुर्गी अपनी चूजों को अपने पंखों के नीचे छिपाती है, प्रभु भी चाहते हैं कि हम भी उनके सुरक्षा के कवच के अंदर आ जाए। प्रभु इस विपत्ति के समय भी हमारे साथ है। आप अगर वेंटिलेटर पे हो, आईसीयू में हो, या आप घर में क्वारंटाइंड हो, या आप आपके प्रियजन आपसे दूर हो गए हैं, हमेशा के लिए आपसे अलग हो गए हैं, आप शोक मना रहे हो, प्रभु आपके परिवार में आपके पास है। वह आपके आंखों में से गिरे हुए हर एक बूंद आंसू को देखता है। इसलिए ये ना समझे कि इस विपत्ति के समय हम अकेले हैं, हमारे साथ हमारा प्रभु है। दानियल के ग्रंथ में हम तीन युवक को देख सकते हैं जिन्हें राजा अग्नि के कुंड के अंदर डालता है। उसके अंदर जाने के पहले तीन युवक एक बात कहते हैं, हमें पता है कि हमारा ईश्वर हमें इस अग्नि से बचा लेगा, लेकिन अगर उसने नहीं बचाया तो भी वह हमारा ईश्वर ही है, हम उसी की उपासना करेंगे, हम उसी की आराधना करेंगे। विपत्ति आए, संकट आए, मृत्यु आए, बीमारियां आए, कोविड आए, हम उसी पर विश्वास करेंगे। अगर उसने हमें बचाया या नहीं, हम दूसरे ईश्वर के पास नहीं जाएंगे, हम दूसरे लोगों पर अपनी आशा अपनी आस्था नहीं रखेंगे। प्रभु ही हमारा दृढ़ विश्वास है, हमारा विश्वास का केंद्र है। आइए हम भी अपना विश्वास प्रभु पर रखें। हमारे घर से जो कोई बीमार है, आस पड़ोस के लोग, हमारे गांव, हमारे शहर के लोग जिन्हें हम जानते हैं, हमारे परिचित, हमारे परिजन, सभी लोगों को प्रभु के पास लेकर आए और हम प्रभु के सामने रखकर हम प्रार्थना करें। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 में आपने कहा है, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। प्रभु हम एकजुट होकर एक मन से इस आराधना में जो कोई भाग ले रहे हैं, हम एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इस वचन के अनुसार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि शांति का ईश्वर शीघ्र ही कोरोना वायरस और उससे पीड़ित सभी बीमारियों को आपके पैरों तले कुचल दे, हमें पूर्ण रूप से रोग मुक्त कर दे। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे गांवों के लिए, शहर के लिए, जहां पे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं प्रभु, जहां पे लोग दवाई के लिए तड़प रहे प्रभु, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वेंटिलेटर्स पे हुए हमारे पुरोहितगण, हमारे धर्म बहने, हमारे प्रियजनों के लिए प्रभु, हमारे बच्चों के लिए प्रभु। Yes, Lord. प्यारे प्रभु जी, आपने इस
पूरी दुनिया की सृष्टि की है, आप हमारे रचयकर्ता है, आपने हमें गढ़ा है प्रभु, आप हमारे शरीर के हर एक अंग को जानते हैं प्रभु। इस विकट परिस्थिति में आप हमारे पास आइए प्रभु जी, हमारे परिवार में आइए प्रभु जी। प्रभु जी हमें आपकी जरूरत है प्रभु आज। प्रभु आपने कहा है अगर आप मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, टूटे हुए मन को मैं सांत्वना दूंगा प्रभु। टूटे हुए मन के साथ, हमारे परिवार के साथ हम आपके पास आ रहे हैं प्रभु। प्यारे प्रभु जी, मैं आपकी सेवक और आपकी दासी इन सभी लोगों के साथ आपके सामने प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्यारे प्रभु जी, आज की इस परिस्थिति में जो बहुत दर्दनाक है, हमारे दिल को पिघल देती है प्रभु। प्यारे प्रभु जी, आपने स्तोत्र ग्रंथ में कहा है घातक महामारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमसे और हमारे परिवार से सभी महामारियों को हटा दीजिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आपने कहा है कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाती है, मैं अपनी जनता को, अपने लोगों को सुरक्षित रखूंगा, कवच बन जाऊंगा। प्यारे प्रभु जी, हम आप पे दृढ़ विश्वास करते हैं, आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम सभी लोगों को प्रभु जी आपके छत्र छाया में रख दीजिए प्रभु जी, आपके पवित्र लहू से हमें ढक दीजिए प्रभु जी। ना कोई बाण, ना कोई विपत्ति, ना कोई प्राकृतिक शोक हमारे पास आएगी प्रभु जी, अगर आप हमारे साथ हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम नहीं डरते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे निर्माता है, आप हमारे प्रभु है, आप हमारे क्रिस्त है, आप हमारे ईश्वर है, और आप जब हमारे साथ में हैं तो आप हमको धारस देते हो और आप हमसे कहते हो डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमारे गांवों को, हमारे शहरों को, हमारे जिलाओं को, हमारे राज्य, हमारे देश, हमारी पूरी दुनिया को आप प्रभु जी सुरक्षित रखिएगा। yes, Lord. आपके yes, Lord. दूतों से हमारी इस पूरी दुनिया को आप संभाले रखिएगा प्रभु जी। प्रभु जी, इस पैंडेमिक के विरुद्ध प्रभु आपका नाम सबसे बड़ा शस्त्र है प्रभु जी। जहां पर दवाइयां काम नहीं कर रही है, हमारे एक्सपर्टाइज काम नहीं कर रही है, हमें आज तक इसके लिए कोई दवाइयां नहीं मिली है, लेकिन प्रभु जी आप ही एकमात्र दवाई हो प्रभु। yes, Lord. क्योंकि आपने कहा है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में, मैं वह ईश्वर हूँ जो तुम्हें चंगाई देता है। Amen. प्रभु Amen. जी आपने कहा है प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में कि जड़ी बूटियां दवाइयां से नहीं बल्कि मेरे वचन से Amen. मैं लोगों को चंगाई देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन को भेजकर हम अपनी पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम पर दया कीजिए प्रभु, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स है प्रभु जी, जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है प्रभु जी, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है प्रभु जी, वेंटिलेटर बेड्स नहीं मिल रहे प्रभु जी, दवाइयां नहीं मिल रहे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हम पर दया कीजिए। इस परिस्थिति से हमें पूर्ण रूप से प्रभु जी छुटकारा दीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे ईश्वर है। आपके नाम पर ही प्रभु हमारी आस्था है, आपके नाम से ही हम बच सकते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु आपके नाम की शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं, रोग हमारे जीवन से दूर हो जाए प्रभु, हमारे जीवन में आरोग्य हो प्रभु, स्वस्थ हो प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु, केवल आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु। हमारे घरों से मृत्यु दूर हो जाए प्रभु, बीमारियां दूर हो जाए प्रभु, सभी लोग पूर्ण रूप से चंगाई हो जाए प्रभु जी, सभी लोग पूर्ण रूप से चंगा हो जाए प्रभु जी, सारे लोग जान जाए कि यीशु जीवित ईश्वर है, सारे लोग जान जाए कि परम प्रसाद में प्रभु आप सचमुच जीवित है प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आप अंधे और गूंगे नहीं है प्रभु जी, आपके हाथ छोटे नहीं है प्रभु जी, आपके वचन में शक्ति ऐसा है कि जो कुछ भी आप सुनते हैं, आप करते हैं,
प्रभु जी आप सब देखते हो, हमारे आंखों में से टपके हर एक बूंद को आप जानते हैं प्रभु जी, हमारे दिलों के आहों को आप जानते हो प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को प्रभु को समर्पित करें, उनका नाम ले लेकर उनको समर्पित करें। आपके परिजन, आपके परिचित लोग, आपके गांव के लोग, आपके डायसिस के लोग, आपके कॉन्ग्रीगेशंस के लोग, आप जिन जिन लोगों को जानते हैं उन सभी लोगों के लिए आप इस समय प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, क्योंकि वह जीवित ईश्वर है, वह यहोवा राफा है जो चंगाई देता है। ये हमारा विश्वास है, हम प्रार्थना करें। एक क्षण हम अपने आप को और अपने परिवार को और सभी लोगों को प्रभु को समर्पित करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस गीत के द्वारा हम प्रभु से याचना करें, हम पर दया कर, हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ प्रदान कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए हम गाएंगे, मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, दे प्रभु प्यार से भर दे प्रभु, प्यार भर दे मेरे रोगों को, हमारे परिवार से प्रभु दुख को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे, पवित्र लहू से प्रभु, पापों से प्रभु, मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, करुणा दिखा प्रभु, प्यार भर दे मेरे पापों को, मिटा दे प्रभु मुझ में प्यार भर दे, पावन लहू से धो दीजिए प्रभु, पवित्र लहू की शक्ति से प्रभु, धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दो, नव जीवन संचार, सभी रोगियों रोगों से प्रभु, मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे देना प्रभु जी, मेरे परिवार वालों को प्रभु जी चंगाई दीजिए प्रभु जी, परिजनों को, परिचितों को प्रभु, मुझ में रोग विमुक्त कर दे प्रभु जी, पावन लहू से, आपकी लहू की शक्ति से प्रभु, मुझे पावन लहू से धो दे मुझे। आइए प्रभु की स्तुति करते रहे, हम प्रभु की स्तुति करते हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, शेयर यार यार आपके पवित्र लहू से प्रभु, हर रोग की चंगा हो जाए प्रभु जी, हर पाप के दाग हमारे जीवन से मिटा दीजिए प्रभु जी, हमारे दुखों में आपके लहू से प्रभु जी उसे हटा दीजिए प्रभु जी, आपके पवित्र लहू से प्रभु जी, आपके नाम की शक्ति से प्रभु, रोगी लोग चंगे हो जाए प्रभु जी, जिनके शरीर में कठान हो प्रभु जी इस क्षण वो पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करे प्रभु जी, जिन लोगों को प्रभु जी ऑक्सीजन में नहीं मिल रही है, दिक्कत हो रही है श्वास लेने में, वे लोग सभी अभी चंगे हो जाए प्रभु जी, जो लोग वेंटिलेटर्स में हैं प्रभु जी उनके ऑक्सीजन सैचुरेशंस आगे बढ़ जाए प्रभु जी, वे पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान प्राप्त करें प्रभु जी, थैंक यू जीसस, हमारे बच्चे जो बीमार पड़ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम और उसके पवित्र लहू की शक्ति से इस क्षण पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करें प्रभु जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हमारे पुरोहित गण, हमारे धर्म बहने जो बहुत बीमार है प्रभु जी, उन लोगों को आपका स्पर्श हो प्रभु जी, थैंक यू जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, 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 मेरे रोगों को मिटा,
शीश झुकाए प्रभु के सामने, अपने आप को पूर्ण रूप से अपने परिवार को समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु जी पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए, विश्वास करे कि प्रभु आपको पूर्ण चंगाई दे रहे हैं। नव जीवन